days SST class. For this first year board, your subject is SST and the part of SST we are doing is geography, and in chapter 5 we have already studied in previous class, and the name of the chapter is Leaves of the Earth. We have covered what is the leaves of the earth and land masses ko jo hum lithosphere kehte hain. There are 7 continents and one of the 7 continents we have discussed in our last class, and that is Asia. In today's class we are going to cover next two continents, that is Africa and North America. These topics are on page number 35, 36 and 37. When you open page number 35, you will see your today's topic, that is Africa. Right? Let's start. तो अफ्रीका जो है हमारा सेकेंड हाईएस्ट लार्जेस्ट जो है वो आपका कॉन्टिनेंट है. फर्स्ट हम एशिया पढ़ ही चुके हैं, तो जो है हम एरिया वाइज ही डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. उसके बाद जो हमारा कॉन्टिनेंट आता है वो है अफ्रीका. तो उन्होंने कहा है कि जो टोटल लैंड एरिया है उसका 20% एरिया जो है हमारा ये कॉन्टिनेंट कवर करता है, और इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम तक किसी ने नोटिस नहीं किया था कि ये कॉन्टिनेंट जो है और इसके अंदर रिसोर्सेज हैं या लोग रहते हैं. अब इसकी लोकेशन की बात है तो ग्लोब पर जो है ये आपका इस तरीके से है कि 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपका 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे कवर होता है, और अगर हम वेस्ट में जाएं तो 18 डिग्री वेस्ट से लेकर 51 डिग्री लॉन्गिट्यूड में ईस्ट में ये कवर होता है. अफ्रीका एक लौता एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर